आप देखिए पीटीआई की जानिब से एक मुल्की जो सियासी सूरत हाल चल रही है, जेल भरो तरीका भी आगाज किया जा रहा है, अगर अब इमरान खान साहब आपको मौजूद करें पीटीआई में शमूलियत का, तो आप करेंगे? अब वो किसने कहा है कि वो मधु नहीं कर रहे? अगर दोबारा करें तो आप क्या कहेंगे? और शहबाज शरीफ मधु करें तो? जिस मैंने गुजारिश की कि ये इलेक्शन तो मैंने आज़ाद लड़ना है, मैं किसी पार्टी की दुम पकड़ के नहीं लड़ना, और वो हाथ पकड़ना है तो हल्के की आवाम का, ताकि दुनिया देख ले कि पिछला इलेक्शन किस तरह हुआ था, इसका एक मकसद ये भी है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इलेक्शन जीतने के बाद फिर कोई ना कोई रास्ता तो इख्तियार करना पड़ेगा। जी सर, ऑडियो लीक्स का अब जमाना चल रहा है सर, और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी ऑडियो लीक हो रही है सर, तो सर आप अदलिया को क्या तामीरी मशवरा देंगे? और उसमें कोई दो जज, मेरी गुजारिश है ना कि अदलिया को भी मशवरा देने वाले की कमी नहीं है, आप ज़रूरी हर एक से मुझसे मशवरा कर। मैंने तनकीद नहीं करनी, तनकीद के लिए इतनी गुंजाइश है जितना मेरी सियासी ज़िंदगी में नहीं थी, हर एक पे, मगर मैं तनकीद नहीं करूँगा क्योंकि इस तूफान बदतमीज़ी में मैं अपना हिस्सा नहीं डालना चाहता। नहीं नहीं वही बात जी सर, शाह साहब इधर से आते हैं, कभी आप इधर से आते हैं, कभी इधर से आते हैं, मैंने इसका सवाल का जवाब नहीं देना जी। सर आपके अपने पाकिस्तान के अंदर कौन सी ऐसी जमात है जो मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान को यानी कि लीड कर सकती है, पाकिस्तान की जो तबाही के दाने पे खड़ा है, इसको निकाल सकती है मुश्किल हालात में? ये बड़ा अच्छा सवाल है, जिस दिन मुझे मेरे जहन और ज़मीर को ये बात अच्छी लगी मैं उसको उसमें शामिल हो जाऊँगा। सर आप शामिल हो जाएगी, लेकिन मेरी जमात कौन सी आप इसको देखें? मैंने गुजारिश कर रहा हूँ ना कि जब मुझे समझ आ गई कि ये इस पार्टी में कोई बेहतरी की तवक्को है तो मैं उसमें शामिल हो जाऊँगा। सर मैं आखिरी सवाल कर रहा हूँ। ज़रूर।